हे भोलेनाथ, यहाँ तो हम पहली बार आ रहे हैं, फिर हमको ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे इस जगह से हमारा पुराना कोई नाता है। यहाँ की हवाओं में एक अलग सा जादू है। यहाँ की सब चीजों से इतना अलग सा नाता क्यों लग रहा है हमको? भोलेनाथ, थांकू, हमको रास्ता दिखाने के लिए थांकू भेरी 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 मच। आप हमको जिंदगी की सबसे बड़ी दुर्गति से बचाए हैं। वो घर नहीं, जेल है, जेल, और हम कैदी। कई सारे बरसों के बाद ना हम आजाद महसूस कर रहे हैं भोलेनाथ। हम जानते हैं इधर ना इधर हमको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। भोलेनाथ, हम एक काम करें, ये रात यही टिक के रह लेते हैं, हाँ, और कल सुबह होते ही हम ये गांव छोड़ के निकल जाएंगे। तो पारो का फंस रखी, भाग गई। अरे अम्मा, अम्मा, अरे क्या हुआ? अरे देख ना रहे हो, तुम्हारी होने वाली बहू भाग गई है। अरे तू टेंशन ना ले, जाएगी कहाँ? जहाँ जहाँ जाएगी हम ही को पाएगी। लेकिन कैसे होगा ये? उनके पाँव में हमरे डाले हुए अल्टे की छाप हमें ऊ तक पहुंचाएगी। चल। हमरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भोलेनाथ हमेशा अपनी कृपा दृष्टि तोरे पे बनाए रखे। अभी भी वक्त है बुआ, छोड़िए ना ये सब। पेड़ से शादी करना जरूरी है क्या? अजीब नहीं लगता आपको? वैसे देखा जाए तो जिंदगी भी बहुत अजीब है शंकर। इसकी गुत्थी ना तो आज तक कोई सुलझा पाया है और ना ही कोई समझ पाया है। मुझे देख लो, कितना तजर्बा है मुझे जिंदगी का। आप इस घर में क्यों है ये आप ही जानती है। तो आपके तजुर्बे की वजह से नहीं। शुभ काम के लिए जा रहे हैं इसीलिए चुप है हम, और ना हम अभी इसी वक्त। दुर्जन, ये क्या है दादी? आप सबका कभी ये खत्म होगा कि नहीं? कभी टीका, कभी धागा। शादी अपनी मर्जी से कर रहा है ना तू, तो कुछ काम तुझे हमारी मर्जी से भी करने होंगे। अम्मा, बांध दो धागा। लल्ला, कितना सुंदर चेहरा दिया है भगवान जी ने, और तू है चेहरे पे मुस्कान की जगह पे गुस्सा लेके फिरता है। लल्ला, ये काला धागा है ना, तुझे हर बुरी नजर से बचाएगा।
हमेशा खुश रहे। अंग्रेजी में कहे हैं गुड मॉर्निंग, पपिया की भाषा में हवा उठ पहाड़ के नीचे। मेरे साथ दबंग आई, चल अम्मा, चल बच्चों, रुक जा, चल चलते हैं। की कील, वो पंडित जी जो कील लगाए थे वो कहाँ गई, वो निकाला उसे। अरे छोड़िए ना दीदी, वैसे भी उस कील का असर 24 घंटे के लिए ही था। यही कहा था ना पंडित जी, टेंशन मत दीजिए, जाने दीजिए, चलिए। क्या हो गया, तुम लंगड़ा क्यों रही हो? घर में वो जो कील लगी है ना, नजर नहीं पड़ी उसके ऊपर, तो वहां जाके टकरा गई। पर आप फिक्र मत करिए, शंकर के लिए, उसके भले के लिए मुझे फिक्र है उसकी भी। थोड़ा सा खून भी मेरा बह गया तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक हो जाए। पंडित जी ने कहा था कि उस कील का असर 24 घंटे के लिए, यही कहा था ना पंडित जी ने, समय तो पूरा होने वाला है, उसके बाद उस कील का क्या काम, हम जाके उस कील को। मत कीजिए ना, सबके मन की तसल्ली होती है। हम तुम्हें दर्द में नहीं देख सकते हैं मोहिनी, इसीलिए ब्याह करके लाए थे कि हम तुम्हें। देखो तुम हमारी बात समझो, कल सुबह शंकर की शादी पेड़ से हो जाएगी, एक रात की ही तो बात है। वैसे भी मोहिनी, जो चीज तुम्हें तकलीफ देगी हम उस चीज को जड़ से उखाड़ कर ही फेंक देंगे। अरे अरे सुनिए तो, देर हो रही है, चलिए चलिए आइए, चलो हम भी खेलने चलते हैं। पता नहीं इनका यह अंधविश्वास कब खत्म होगा। अम्मा छोड़ो ना, चल याद रखना पारो, तू ही मजबूर की है हमें। लग रहे हैं ना एक नंबर, आज तो ये चुनरी तुम्हारे सर पर उड़ा कर रहेंगे, बता रहे हैं। ये मछली की तरह फड़फड़ाना बंद कर, खड़ी रह। पप्पी हमको नहीं करनी है, तुम तो शादी छोड़ो, हमें छोड़ो। लेकिन हमें तो करनी है। छोड़ो हमें, चेहर उगल पाएगी तू पारो। साफ तैयारी करके आए हैं, शादी तो करने का पड़ी। रुको, ये काला धागा भले ही तुम्हें बुरी नजर से बचा ले, लेकिन एक बार फेरे हो गए ना तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हम तो पहले सरेंडर कर चुके हैं मैडम, तुम्हारे कहने पर देखो पेड़ से शादी कर रहा हूँ। और क्या सबूत चाहिए? मेरे कहने पर? और नहीं तो क्या, तुम्हीं ने तो कहा था। शंकर बिटवा कहाँ चले गए? निकलना है बेटा, देरी हो रही है। एनीवे, आकर बात करते हैं, मेरा इंतजार करना, बताओ। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? पारो तू ठीक तो है बिटिया, ये क्या कर रहा है पप्पी? हम कह रहे हैं कि रुक जा, अनर्थ है ही। तो बीच में आया ना ससुरा तो तुम्हारा यही अंत करके अंतिम संस्कार कर देंगे। चल निकल यहां से, निकल।
अरे हमको ना दबा लेगा लेकिन वो की ताकत का सामना कैसे करेगा? आ रहा है वो, अपनी पारों को बचाने आ रहा है वो। अरे बुढ़ाऊ का बकलोल का सुन रहे पपिया, इधर ध्यान दे, इधर कर शादी शुरू। बवाल है अम्मा, ये लकड़ी आग पकड़ ही नहीं रहा है। नहीं होगी पारो, कभी तुम्हारी नहीं होगी। अरे महादेव ऐसा होने ही नहीं देंगे। फेरे ले, शादी शुरू कर। चल। छोड़ो हमें, मदद करो हमारी भोलेनाथ, मदद करो। छोड़ो, ये रंग है पप्पी रंग, जाने दो हमें, हम कह रहे जाने दो, छोड़ो। जी जी, आज के बाद आपको ये लाल लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरे पर हमेशा के लिए लाली जो छाने वाली है। बस वो इच्छाधारी नागिन, वो आएगी ना? आना तो उसे पड़ेगा, आएगी नहीं तो कहाँ जाएगी? उसकी अधूरी मोहब्बत तो पूरी करने आएगी ही ना। छोड़ो पप्पी, रंग है रंग, जाने दो हमें, हम बोल रहे हैं, बचाओ, कोई बचाओ हमें, बचाओ, बचाओ। गाड़ियों के टायर एक साथ पंक्चर, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या करें? हमें फौरन शंकर को लेकर उस पेड़ के पास पहुंचना चाहिए। मदद करो, छोड़ो, कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ। शंकर, शंकर कहाँ जा रहा है? आइए, शंकर। ये क्या, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? एक मंदिर ही ऐसी जगह है जहां एक चुड़ैल नहीं जा सकती, हमें यही इंतजार करना होगा। पप्पी, छोड़, छोड़ पारो, पारो को छोड़। अबे हाँ बुड्ढे काका, No!
यही है उसका सहरी यार अम्मा। हमारी मदद कीजिए, ये शादी हमको नहीं करनी है। चुप! अबे वो कोई शिकायत पेटी है क्या है? जो याचिका डाल रही हो तेरी तो। लड़की पे हाथ उठाना गलत है और गलत को सही करना मेरी आदत है। तुम जाओ यहां से। मुझे उस इच्छाधारी नागिन की खुशबू आ रही है, वो यहीं कहीं है। भाग भले ही सकती हो लेकिन मोहिनी की नजरों से बच नहीं सकती तुम। आज तुम्हारी शक्ल भी देखूंगी और अपनी नागमणि भी हासिल करूंगी। वो पेड़ के पास ही होगी ना, और मुहूर्त का समय हो रहा है, हम लोग चलते हैं वहां पर। चलो। चुड़ैल लुका छुपी बहुत हुई, अब शिकार का वक्त। यहाँ हमको कोई कुछ नहीं करेगा, सेफ है हम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आपका ये विवाह संपन्न होता है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी तो यहां नहीं है। हाँ मोहिनी, मोहिनी, ये तो
शहरी बाबू हैं। दुर्जन जी, कहाँ चली गई थी? परेशान हो गए थे हम। अरे यहीं तो थी, शंकर के लिए देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लेकर आई। सुंदर तो है। पंडित जी प्लीज जल्दी खत्म कीजिए ये सब। जी आपका ये विवाह संपन्न होता है। आज भी तुम्हारे इतने करीब होकर भी तुम्हें जकड़ नहीं पाई अपनी चोटी की कैद में। लेकिन थोड़ा और इंतजार सही नागिन, फिर मौत होगी तेरी और वो नागमणि होगी मेरी। शहरी अच्छे हैं, हमको बचाया ना उन्होंने, उनका ध्यान रखिएगा भोलेनाथ। और हाँ, हमारी तरफ से उनको बड़ा वाला थंकू भी भिजवा दीजिएगा। आपका ये विवाह संपन्न होता है। आज ये इच्छाधारी नागिन मेरे से नहीं बच पाएगी। जय भोलेनाथ। ये परिवार वाले सब आ गए, मुझे नीचे जाना होगा। अच्छा हुआ पप्पी को पकड़ लिया, हमको बहुत ही परेशान कर रहा था। आपके और ज्योति बिटिया की शादी में कोई अड़चन न आए इसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए आपके और इस बटवृक्ष के विवाह की विधि आरंभ करते हैं। इस मौली को आपको पेड़ के चारों तरफ बांधना है, हर फेरे के बाद ये दूध भी चढ़ाना है।
बहुत जल्द तुम मेरी नजरों के सामने होगी, क्योंकि अपने नाक को किसी और से शादी करता देख तुम सह नहीं पाओगी और बेबस लाचार हो जाओगी। तुम्हारी इसी बेबसी का फायदा उठाकर नागमणि हासिल करूंगी मैं। इस वृक्ष को सिंदूर लगाइए, फिर कहेंगे अब सुहागरात भी मनाइए। मजाक है क्या? तेरे ले लिए बहुत हो गया, ये सब नहीं कर रहा मैं। शंकर, रस्म रिवाज का अपमान मत कर, चल लगा सिंदूर। शंकर, शंकर बिटवा, हमरे बात सुनो बिटवा, काहे काम आधा दौरा छोड़ रहे हो? हाँ लगा लो। अरे लगवा लो, थोड़ा सा लगवा लो बिटवा, लगा लो, मान लो बात बिटवा। नहीं बुआ, सिंदूर लगाने के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आपका यह विवाह संपन्न होता है और भोलेनाथ इस विवाह के स्वयं साक्षी हैं।
बिजी हैं। मुझे परेशान मत करो, मैं शंकर का वेट कर रही हूँ। अच्छा तो तुम भैया का वेट कर रही हो, तो ठीक है ना, मेरे साथ खेलते खेलते वेट कर लो। मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगी? प्लीज 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 प्लीज। नहीं खेला तो ये पगली मुझे पागल कर देगी। ओ गॉड, किसके साथ छोड़ गए मुझे सारे। ओके हम खेलते हैं। ठीक है ठीक है, तो तुम ना सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। करो करो। ठीक है ठीक है, तो अब तुम 10 तक काउंट करोगी और फिर मेरे को ढूंढने आओगी। और हाँ, जीतिंग नहीं चलेगी। हाँ चलो काउंट करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। चीटिंग मत करना। अरे ये कौन सी जगह है? अगर मैं यहाँ पे छुपूंगी तो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी और मैं जीत जाऊंगी। 3, 2, 1, बबली मैं आ रही हूँ। पारो हमारा साथ जन्म जन्म का है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने से दूर कभी मत होने देना। कौन है तू? का नाम है तोरा? यहां ब्याह की रस्म चल रही है और सब कुछ गड़बड़ करके रख दिया। जीजी एक बात बताओ, अगर ये लड़की पेड़ पर थी तो हमारे शंकर की शादी पेड़ से हुई है या इस लड़के से हुई है? हमारा तो जन्म जन्म का रिश्ता है, माने ऐसे हालात में ये शादी हमसे हुई है ना? सीमा भांग फिर रखिएगा, इका बकेती कर रही हो। जीजी हम तो सिर्फ पूछ रहे थे। बस हमने कह दिया ना, एकदम शांत। शांत होने की जरूरत तुमको है। और सीमा बहुरिया, गीता कोई गलत बात तो नहीं कर रही है? हर किसी भी लड़की के साथ ऐसे शंकर का ब्याह थोड़ी ना होने वाला है। Exactly. न जाने कहां से आ गई है। और वैसे भी मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता। पहले भी बोल रहा था ये सब ड्रामेबाजी मत करवाओ मुझसे। चलिए हो गया जो होना था, अब चले यहां से। कोई हमको बताएगा ये लड़की है कौन? वो हमारे साथ है सरकार। तुम्हारे साथ है तो संभाल के रखो, फिर कोई गड़बड़ हुई ना तो इस गांव से तुम्हारा हुक्का पानी बंद करवा देंगे, बूझे ला। क्या ये सही में हो सकता है? पुरानी जन्म का रिश्ता, सदियों से चली आ रही प्रेम कहानी, क्या सच में शहरी बाबू और हम? हमसे भारी मिस्टेक हो गई छोटे सरकार, हमें माफ कर दीजिए। Mohini.
ये दुपट्टा उड़ क्यों नहीं रहा? अब मोहिनी चले। अरे हमने कहा चले, कहाँ खो गई तुम? इतने शौक है तो उठा कर ले जाएगी ना। जी जी हमारे कहने का मतलब था थोड़े से रोमांटिक होकर अगर उठा लेते तो। अच्छा तो बहुत मजा आता, लेकिन बात यह है कि हम उठा नहीं पाएंगे ना। आपका मतलब हमारी जीजी भारी है? बेचारी मरी हुई दुबली पतली सी तो है बेचारी, और आपको लगती है भारी? अरे गलत समझ रही है तू, उठा लेते भाई, इनको उठा लेते हम, लेकिन वो ससुरा कांधे में दर्द है। हाँ। लेकिन अपनी रानी को हाथ पकड़कर जरूर ले जाएंगे। चले। हाँ? हम तो बस सॉरी छुपन छुपाई खेल रहे थे, बबली को लगा आपके इस कमरे वाली पेंटिंग के पीछे सांप है। दादा, दादा, दादा। बबली को तो कल को ये भी लग सकता है कि मैं चुड़ैल हूं, तो क्या तुम उसकी बात मान लोगी? नहीं नहीं। वैसे अगर तुम चाहो तो तसल्ली कर सकती हो देख के कि इस पेंटिंग के पीछे आखिर है क्या, देख लो। नहीं नहीं इट्स ओके, जाने दीजिए ना। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि इस पेंटिंग के पीछे क्या होगा? जी दीवार ही होगी। सोचो इसके पीछे एक बहुत बड़ी सी दीवार हो और उसके ऊपर एक भयानक सा जाला हो और एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी हो। डर गई? चलो मैं ही दिखा देती हूँ कि इसके पीछे क्या है।
डर क्यों रहे हो? दीवारें तो है। नहीं, ये दरवाजा है, इसके पीछे ही सांप है। अरे बबली, डरो मत, ये सिर्फ दीवार है। नहीं, नहीं, ये इधर दरवाजा है, इसके पीछे ही तो बहुत ज्यादा सांप है, मैंने खुद देखा है। सब कुछ, हमें सब कुछ याद आ गया है काका। याद दिलाएंगे तुमको हम सब कुछ, वो प्यार, वो साथ, सब याद दिलाएंगे। मेरे सामने ही था वो सांप, लेकिन इस नौकरानी की वजह से गायब हो गया। अरे बबली, दीवार है। बिल्कुल सही कहा तुमने, समझदार हूँ, शहर से हो ना इसलिए। वैसे बबली की बातों को इतना सीरियसली मत लेना। तुम अभी अभी इस घर में आई हो तो शायद तुम्हें पता नहीं होगा, बबली की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। वो कुछ भी देखती है, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी सोच लेती है। खैर बबली को छोड़ो, अभी तुम्हें फंसाने की तैयारी करते हैं। मतलब? मतलब ये कि शंकर की शादी उस पेड़ से हो चुकी है और अब तुम्हारी और शंकर की सगाई का वक्त आ गया है। शंकर आ चुका है। आप भी ना बहुत ही प्यारी बातें करती हैं। मैं शंकर से मिल के आती हूँ। भोलेनाथ, ऐसी आधी अधूरी झलक दिखाकर आप हमको क्या बताना चाह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मगर हम जानना चाहते हैं भोलेनाथ, हम हमारा सच जानना चाहते हैं। क्या है हमारा सच भोलेनाथ? सब कुछ, हमें सब कुछ याद आ गया है काका। शंकर! याद दिलाएंगे तुमको हम सब कुछ, वो प्यार, वो साथ, सब याद दिलाएंगे। मेरे सामने ही था वो सांप, लेकिन इस नौकरानी की वजह से गायब हो गया। याद दिलाएंगे तुमको हम सब कुछ, वो प्यार, वो साथ, सब याद दिलाएंगे। मेरे सामने ही था वो सांप, लेकिन इस नौकरानी की वजह से गायब हो गया।